अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दिफाई नुमाइश का दूसरा रोज, 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक, मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की एक्सपो सेंटर आमद। लकी मरवत पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस अहलकार शहीद, सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से वाकये की मजम्मत। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन से ड्रोन तैयारा टकरा गया, पुलिस रा रिमोट कंट्रोल तैयारे में छोटा जासूसी कैमरा नस्ब था। पुलिस के मुताबिक तैयारे में किसी किस्म का कोई बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। पीटीआई का आम इंतखाबात, आजम सवाती केस और अरशद शरीफ कत्ल केस को शिद्दत से उठाने पर इत्तेफाक, इमरान खान की जेरे सदारत जमान पार्क में मुशावरती इजलास में अहम फैसले। इमरान खान का कहना है कि पीटीआई को एक साल बाद इलेक्शन से कोई मसला नहीं है। उमर फारूक को घड़ी फरोख्त की, ना इस शख्स का इमरान खान से कोई ताल्लुक है। फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी, उमर जहूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल भी पाकिस्तान में हुआ था। अमरीकी नशरियाती इदारे का कहना है कि अरशद शरीफ को गोलियां लगते ही फौरी अस्पताल नहीं ले जाया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. बैनुल अक्वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के 11वें एडिशन के दूसरे रोज़ बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की एक्सपो सेंटर आमद जारी है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 कराची एक्सपो सेंटर में दूसरे रोज़ भी शायान शान तरीके से जारी है। बैनुल अक्वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के 11वें एडिशन के दूसरे रोज़ बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की एक्सपो सेंटर आमद जारी है। दिफाई नुमाइश में 51 ममालिक के 522 मंदुबीन जबकि 64 ममालिक के 285 वफूद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, हंगरी समेत अहम ममालिक पहली बार शरीक हो रहे हैं। नुमाइश के लिए रखे गए पाकिस्तान के दिफाई मसनूआत में शुरका ने खसूसी दिलचस्पी जाहिर की है। अल खालिद टैंक, JF-17 थंडर, एंटी क्रूज हरबा मिसाइल समेत जदीद असलहा शुरका की तवज्जो का मरकज़ है। एक्सपो सेंटर के 6 हॉल्स के अलावा 3 मार्कीज भी कायम की गई हैं। एक मार्की कश्मीर के नाम से मंसूब है। एक्सपो सेंटर में मुल्की और गैर मुल्की दिफाई साजो सामान और मसनूआत रखी गई हैं। वाज़ह रहे कि दिफाई नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत में थाना डारेवाला की हदूद में पुलिस मोबाइल पर हमले के नतीजे में 6 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों की जानिब से चौकी अब्बासा खटक की मोबाइल गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें पुलिस अहलकार सवार थे। पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत के इलाके वांडा शहाब खेल में गश्त पर मामूर अब्बासा चौकी की पुलिस मोबाइल वैन पर नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। ताहम फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि DPO की क्यादत में पुलिस की भारी नफरी ने जाए वकुआ और इलाके को घेरे में ले लिया है। पुलिस ने हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस की मजीद नफरी जाए वकुआ पर पहुँच कर शवाहिद जमा कर रही है। शहीद होने वालों में
ASI अलमदीन, जबकि 5 कांस्टेबल परवेज महमूद, दिलजान, उबैदुल्लाह और अहमद नवाज शामिल हैं। वजीर आला महमूद खान ने लकी मरबत में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेकर IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लकी मरबत में पुलिस वैन पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है और शहीद होने वाले 6 पुलिस अहलकार को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहदा को एजाजात और शहदा पैकेज दे। वजीर आला KPK ने शहीद के दर्जात बुलंदी और लवाहकीन से ताजियत का इजहार करते हुए कहा है कि वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, शहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन के अली टाउन स्टेशन से ड्रोन तैयारा टकरा गया, जिसमें किसी किस्म का कोई बारूद नहीं मिला। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन से ड्रोन तैयारा टकरा गया। चौहन के इलाके में पुरअसरार रिमोट कंट्रोल तैयारा गिर गया। तैयारे में छोटा जासूसी कैमरा भी लगा है, जिसकी तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन के अली टाउन स्टेशन से ड्रोन तैयारा टकराया, जिसमें किसी किस्म का कोई बारूद नहीं मिला। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने चौहन के इलाके में पुरअसरार रिमोट कंट्रोल तैयारा गिरने के मामले का नोटिस लेते हुए SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली है। CCPO लाहौर ने वाकये की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। लाहौर पुलिस का कहना है कि सीनियर पुलिस अफसरान और मुतालिका इदारे मौके पर मौजूद हैं। मुतालिका इदारे शवाहिद की बुनियाद पर रिमोट कंट्रोल तैयारी का जायजा ले रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तायुन किया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल ड्रोन तैयारा किस तरफ से आया है। बम डिस्पोजल और मुतालिका हुकाम ने मौके पर पहुंचकर वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात, आज़म स्वाति तशद्दुद केस, अरशद शरीफ कत्ल केस को शिद्दत से उठाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात, आज़म स्वाति तशद्दुद केस, अरशद शरीफ कत्ल केस को शिद्दत से उठाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में मशावरती इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में उमर सरफराज चीमा, मोन्स इलाही, राजा बशारत, मुसद्दिक अब्बासी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवामी सतह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर मामलात का प्रचार जोरों शोर से किया जाएगा। इजलास में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हल्कों में पार्टी बयानिए को घर घर पहुँचाएंगे। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में होशरबा महंगाई, हुकूमती नाकाम मौशी पॉलिसियों को भी उजागर करने पर इत्तेफाक किया और हुकूमत के खिलाफ जारी तहरीक को UC की सतह पर ले जाने का भी फैसला किया गया। जराए ने बताया कि हकीकी आज़ादी मार्च पिंडी के लिए पंजाब भर की UC को भी टास्क दिए जाएंगे और हुकूमत को आम इंतखाबात पर मजबूर करने के लिए अवामी दबाव मजीद बढ़ाया जाएगा। इस सिलसिले में रावलपिंडी में 15 से 20 लाख लोग लाने के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और कमेटियों की कारकर्दगी की रिपोर्ट इमरान खान को रोजाना की बुनियाद पर दी जाएगी। कबल अजी PTI के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए कहा कि मुझे कहा जाता है कि 1 साल इलेक्शन का इंतजार कर ले। तहरीक इंसाफ को इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि आवाम हमारे साथ है और मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे PTI ही जीतेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। इस्लामाबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2018 में सऊदी बादशाह ने एक घड़ी इमरान खान को तोहफे में दी। घड़ी की क्या कीमत है, ये तनाज़ा चलता आ रहा है। जब तहाइफ पाकिस्तान पहुंचते हैं तो तोशाखाना के हवाले कर दिए जाते हैं। उनका कहना है कि चीफ ऑफ प्रोटोकॉल तोहफे वसूल करके पाकिस्तान लाते और तोशाखाना के हवाले करते हैं। काबीना डिवीजन के तहत तहाइफ की वैल्यूएशन होती है। कानून था कि 20% वैल्यूएशन की कीमत अदा करके तोहफा ले सकते थे। हमने कानून तब्दील किया, अब 50% कीमत अदा करके तोहफा ले सकते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने इमरान खान को घड़ी तोहफे में दी। कानून के मुताबिक तहाइफ चीफ ऑफ प्रोटोकॉल वसूल करता है। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाता है, बोर्ड बनता है और तोहफे की कीमत तय की जाती है। उन्होंने इमरान खान से तोशाखाना के तहाइफ खरीदने वाले शेख उमर फारूक जहूर के हवाले से ये कहा है कि उमर जहूर 4 भाई हैं, 3 भाई नॉर्वे की जेल में हैं,
उमर जहूर पर भी क्रिमिनल केसेस हैं। उमर जहूर ने मॉडल सूफिया मिर्जा से शादी की थी, वो जाली कागजात पर अपने बच्चों को दुबई लेकर गए। उमर जहूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की कॉल पर लाखों लोग रावलपिंडी का रुख करेंगे, जहाँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि घड़ी उमर फारूक जहूर नामी शख्स को नहीं बेची गई, फरह गोगी के शौहर उमर जहूर से कभी नहीं मिले। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम न करने के खिलाफ मरहुमा की वालदा की दरख्वास्त पर समात के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल पाकिस्तान में भी हो सकता है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम ना करने के खिलाफ मरहूम की वालदा की दरख्वास्त पर समात के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल पाकिस्तान में भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरहूम अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम ना किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त की समात हुई। इस मौके पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरशद शरीफ की वालदा को फराहम कर दी गई है। दूसरी जानिब अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को गोलियां लगने के बाद फौरी अस्पताल नहीं ले जाया गया, उन्हें कई घंटे बाद मुर्दा हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ को फौरी तिब्बी इमदाद चाहिए थी, लगता है कि काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने भी कीनिया की पुलिस की तहकीकात में झोल का इंकशाफ करते हुए कहा कि कीनिया पुलिस के बयानात में रब्त नहीं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।